है डिजाइनर, आपने मेरे ये थंबनेल्स तो देखे ही होंगे। इन थंबनेल्स में मैंने कौन कौन से एआई टूल्स का यूज किया है और ये सभी चीज मैंने कैसे क्रिएट की है, तो आज मैं इस वीडियो में वो सभी हिडन एआई टूल्स बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली अपने थंबनेल्स में यूज करता हूँ। अगर आप एक डिजाइनर है तो ये टूल आपकी प्रोडक्टिविटी को 2 से 3x इंक्रीज कर देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेस्ट इमेज अप स्केलर के बारे में। तो मैं ये 4 वेबसाइट अपने डेली लाइफ में यूज करता हूँ। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है IMG अप स्केलर। तो यहाँ अपलोड इमेज में जाके आप उस इमेज को अपलोड कीजिए जिसको आपको अप स्केल करना है, और यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको नीचे आपकी जो इमेज है वो अप स्केल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कई सारे वेरिएशन भी दिखाई दे रहे होंगे, वो डिफ़ॉल्ट रहने देना। राइट क्लिक करके इसको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इसने अप स्केल किया है। देखिए आपने इसने कितने शार्प तरीके से हमारी इमेज को अप स्केल किया है। यहाँ क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आफ्टर बिफोर मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो जो नीचे धुंधली इमेज है उसको मैंने किस तरीके से अप स्केल किया, थोड़ा ब्लर इमेज थी हमारी वो नीचे, उसको हमने बहुत ही अच्छे से अप स्केल किया। अब जो सेकंड अप स्केलर है वो IMG अप स्केलर जैसा ही है, वो है अनब्लर इमेज। तो ये भी एक बेहतरीन अप स्केलर है जिसको मैं यूज करता हूँ। एक है विजरो AI जिसका भी मैं कभी कभी यूज कर लेता हूँ, वैसे मेरा 2 ही अप स्केलर से काम हो जाता है। और जो फोर्थ है वो है आई लव इमेज अप स्केलर, ये भी बहुत बेहतरीन अप स्केल है। यहाँ भी आप इमेज अपलोड करके देख सकते हो आफ्टर बिफोर में हमको बहुत बेहतरीन आउटपुट मिल जाता है। तो इतने आप स्केलर से मुझे लगता है आपके डेली के 7 से 8 थंबनेल डिजाइन हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ PC एप्लीकेशन के बारे में। तो ये अप स्केल करके एक एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स है, इसमें आप अनलिमिटेड टाइम तक अप स्केल कर सकते हो इमेजेस को। तो इसकी वेबसाइट को जब आप ओपन करोगे या डाउनलोड का बटन मिलेगा, और ये लिनक्स मैक OS और विंडोज़ के लिए, तो मैं विंडोज़ यूजर हूँ, विंडोज़ पर क्लिक करूँगा ये डाउनलोड होने लगेगा। इसे डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का UI देखने को मिलेगा अप स्केल का। यहाँ आपको ये इमेज अपलोड करने के लिए बोलता है, ये आपके PC की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपका PC कितना पावरफुल है, उतना ही अच्छा आपको इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे जो हमें इमेज एनहेंस करनी है। सेकंड स्टेप में ये हमको AI मॉडल सजेस्ट करेगा, जो भी हमारी इमेज के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप कई सारी चीज़ों को अप स्केल कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा डिफ़ॉल्ट जो आता है अप स्केल में स्टैंडर्ड वाला, तो अप स्केल स्टैंडर्ड है तो मैं इसी को ही सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद क्या कहेगा ये इमेज अप स्केल करने के लिए, तो मैं इसको 2x रहने दूंगा। और सेट आउटपुट फोल्डर बोलेगा जहाँ ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा आपका इमेज, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। स्टेप 4 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप स्केल पे, तो आपकी इमेज अप स्केल हो जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये हमारी अप स्केल होने के बाद और ये अप स्केल से पहले की इमेज आफ्टर बिफोर। तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड टाइम तक अपने लिए इमेज को अप स्केल कर सकते हो अप स्केल एप्लीकेशन के थ्रू। अब मैं बात करने वाला हूँ जेमिनी AI का, इसका मैं अपने थंबनेल्स में कैसे यूज करता हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे मेरे पास ये जेमिनी AI है और मुझे मिस्टर बीस्ट के थंबनेल्स के जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे ऐसे थंबनेल्स हैं जिनके बैकग्राउंड मुझे बहुत पसंद आए। जैसे लेटेस्ट वीडियो मिस्टर बीस्ट का है, उसमें जो स्टेडियम है मुझे वो बहुत पसंद आया और मुझे उसका बैकग्राउंड चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, उस थंबनेल को मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक थंबनेल डाउनलोडर है जिससे मैंने थंबनेल को डाउनलोड किया है, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। वैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको और जेमिनी में आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, यानी कि अपलोड भी कर सकते हो आप इसको। अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, एक्सट्रैक्ट ओनली दी बैकग्राउंड फ्रॉम दिस इमेज बाई रिमूविंग दी सब्जेक्ट कम्प्लीटली, रीबिल्ड एनी मिसिंग एरिया एंड प्रोवाइड ए क्लीन हाई क्वालिटी बैकग्राउंड, और इसको मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो इसने मुझे बैकग्राउंड एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। इसी तरीके से आप किसी भी थंबनेल में से कोई भी चीज़ निकाल सकते हो, बस वो चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी होगी। जैसे मैं, मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए था, उसने देखो कितने अच्छे से मुझे बैकग्राउंड एक्सट्रैक्ट करके दे दिया जिसको मैं अपने नेक्स्ट थंबनेल के लिए यूज कर सकता हूँ। सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूँ मैं जेमिनी का कैसे यूज करता हूँ। मेरे पास ये इमेज है, अब कभी कभी कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जिनमें से कोई चीज़ रिमूव करनी होती है, मुझे इसमें से ये हैट रिमूव करनी, क्योंकि मुझे इस फोटो को किसी और चीज़ के लिए यूज करना है। तो मैं क्या करूँगा, उस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, उस प्रॉम्प्ट को भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। रिमूव दी हेड फ्रॉम दिस पर्सन हेड, कीप हेयर नेचुरल ब्लेंड बैकग्राउंड सीमलेस, ये मेरा प्रॉम्प्ट है जिससे मैं इस हेड को हटाने वाला हूँ। अब जनरेट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा,
आप देख सकते हो इसने उस हेड को कितने बेहतरीन तरीके से रिमूव किया है। अगर इसे मैनुअली हम करें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसी चीज़ों के लिए जेमिनी एआई का यूज करता हूँ और जो भी चीज़ मुझे रिमूव करना होती है मैं इस तरीके से यहाँ पे आके उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। जब मैं कोई फ्री एप्लीकेशन यूज कर रहा होता हूँ तब, जब मेरे पास अगर फोटो भी पेड है तो मैं वहाँ पे जनरेटिव फिल से इस चीज़ को रिमूव आसानी से कर सकता हूँ। तो अब उसके बाद, अब जैसे कोई, जैसे मेरे पास ये पर्सन है, इसकी मेरी टी शर्ट का कलर चेंज करना है। कभी कभी क्या है ना, कलर टी शर्ट का कलर चेंज करना होता है। अगर आप इसे मैनुअली करो UN सेचुरेशन के थ्रू तो उसमें बहुत ज़्यादा समय कभी कभी लग जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और जेमिनी में जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। आप अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास डाउनलोड है तो। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा, चेंज दी रेड टी शर्ट कलर टू ब्लू, कीप टेक्सचर नेचुरल। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया है और कोई भी आप कलर ले सकते हो ब्लू के अलावा, तो मैंने ओनली ब्लू लिया है। तो इस तरीके से मैं जनरेट करूँगा, आप देख सकते हो कितने नेचुरल तरीके से इसने हमारी इमेज में जो टी शर्ट का कलर है उसे बहुत अच्छे से चेंज किया है। इसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा जिससे आपको इमेज बहुत बेकार लगेगी। तो आप देख सकते हो किसी भी इमेज में से आपको बैकग्राउंड एक्सट्रैक्ट करना हो, कोई चीज़ रिमूव करनी हो, कलर चेंज करना हो, वो सारे काम हम जेमिनी एआई से बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरे पास एक पर्सन है, इस पे मुझे एक कैप को ऐड करना है। तो उस कैप को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उस पर्सन की फ़ोटो को ऐड कर दूँगा और गूगल पे जाऊँगा या कैप PNG निकाल के मैं जो भी मुझे कैप पसंद आएगी मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मुझे कैप ठीक लग रही है और बाकी की मैं देख लेता हूँ। नहीं, मुझे यही कैप ठीक लगी, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने उस इमेज को अपलोड किया और कैप की इमेज को मैंने अपलोड किया और मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है, ऐड ए कैप ऑन द पर्सन हेड नेचुरल फिट एंड लाइटनिंग। तो इस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है और जैसे ही मैं इस पर जनरेट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो उसने कैप को कितने अच्छे से मेरे सब्जेक्ट के ऊपर प्लेस किया है। ये मेरा सब्जेक्ट था, उसको ये मैंने कैप प्लेस की है। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर कैप को ऐड कर सकते हो। लियोनार्डो AI का यूज मैं अपने थंबनेल्स में टेक्सचर ऐड करने के लिए करता हूँ। तो आइए मैं बताता हूँ कैसे मैं टेक्सचर को ऐड करता हूँ अपने थंबनेल्स में। तो मेरा ये थंबनेल्स है जिस पे मैं जाके इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा JPG में। इसकी विड्थ और हाइट जो है उसे 1000 पिक्सल के हम अंदर रखने वाले हैं जिससे हमसे ये प्रो फीचर ना मांगे। अब लियोनार्डो AI को हम ओपन कर लेंगे या अपस्केलर पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड इमेज करने के लिए बोल रहा है। तो आप उस इमेज को ऐड कर लीजिए जिसको अपस्केल आपको करना है, जिस पे आपको टेक्सचर ऐड करना है। तो ये मेरी इमेज है जो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद जो भी सेटिंग्स है वो सारी डिफ़ॉल्ट रहेंगे, हम इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं और हम अप स्केल पे क्लिक करेंगे। अप स्केल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो हमारी इमेज पे कितने अच्छे से टेक्सचर अप्लाई हो चुका है, यहाँ तक कि बैकग्राउंड पे भी बहुत अच्छा टेक्सचर आ चुका है। पूरी इमेज भी हमारी चेंज हो चुकी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम क्या करेंगे, उस इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे और उस अप स्केल की हुई इमेज को हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लाके इस तरीके से प्लेस कर लेंगे, अच्छे से फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद क्या करेंगे, एल्ट की को होल्ड रखते हुए हम मास्क को क्रिएट करेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रश टूल है उस ब्रश को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और जो फोरग्राउंड कलर है हमारा वो वाइट रहेगा जिससे हम अपने टेक्सचर को अप्लाई करेंगे। मास्क को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप ब्रश से इस तरीके से पेंट करोगे, जिस एरिया में आपको टेक्सचर चाहिए था उस जगह आप पेंट करोगे तो आपके पास टेक्सचर इस तरीके से आ जाएगा। देख सकते हो आप मैंने टेक्सचर को किस तरीके से अप्लाई किया है। पहले फेस बदल गया था टेक्सचर क्रिएट करते समय, उस चीज़ को हमने बचाते हुए किस तरीके से टेक्सचर को अप्लाई किया, आप देख सकते हो। इस तरीके से मैं अपने सभी थंबनेल्स में टेक्सचर का अप्लाई करता हूँ। तो ये वो सभी टूल्स थे जो मैं अपने थंबनेल्स के लिए यूज करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।